बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार मसालेदार भिंडी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम छोटी भिंडी ली है। जब भी आप भिंडी खरीदे, इस बात का ध्यान रखें भिंडी छोटी छोटी और सॉफ्ट ही ले, आड़ी तिरछी ना ले और ज़्यादा लंबी ना ले, क्योंकि लंबी भिंडी में बीज बहुत कड़क रहती है, जिससे सब्जी का टेस्ट और मेहनत दोनों खराब हो जाएगा। एक एक भिंडी को सूखे कपड़े में पोछिए जरूर, जिससे उसका चिपचिपापन कम हो जाएगा। भिंडी के दोनों किनारों को काट लेंगे। छोटी भिंडी को हम दो भागों में काटेंगे और अगर भिंडी बड़ी है तो तीन भागों में काट लेंगे। भिंडी को आप अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे काट सकते हैं। भिंडी को अब बीच से ऐसे चीरा लगाकर चेक कर लेते हैं कि भिंडी में कीड़े वगैरह तो नहीं है। सभी भिंडियां कट जाने के बाद हम चौथाई चम्मच इसमें नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा नींबू का रस निचोड़कर डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए 10-15 मिनट इसे ऐसे ही ढककर रख देंगे। तब तक हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 टमाटर रफली कट कर लिए है, 15 लहसुन की कलियां, 2 टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्च लेके मिक्सर ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। बाउल में 1 टेबल स्पून बेसन लिया है मैंने। इसे बगैर ऑयल के भून लिया था खुशबू आने तक। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। मसाला पेस्ट बनकर रेडी है, साइड में रख देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, धुआं निकलते तक थोड़ा सा तेल ठंडा करके हम इसमें भिंडी डाल देंगे। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी को शुरू में 3-4 मिनट हाई फ्लेम में भूनेंगे, उसके बाद 3-4 मिनट लो फ्लेम में भूनेंगे। इसको टोटल 7-8 मिनट फ्राई करने में लग जाता है। गैस बंद कर देंगे। भिंडी को मैंने टिश्यू लेयर प्लेट में निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब बचे हुए तेल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। गैस चालू कर देते हैं। इसमें मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, जिसका 2 टुकड़ा कर लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 लौंग डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे जीरा तड़कने लगेगा, 1 पिंच हींग डालकर, 2 प्याज बारीक कटा हुआ डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2-3 मिनट हमें इसे लाइट गोल्डन होते तक इसे फ्राई करना है। ज़्यादा प्याज हमें नहीं भूनना है। गैस कम करके हम इसमें मसाला पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से 3-4 मिनट भून लेंगे। जैसे ही साइड में तेल छूटने लगेगा, हम टमाटर पेस्ट डाल के इसे 7-8 मिनट धीमी आँच में पका लेंगे। ग्रेवी अच्छे से भुना गया है। इसमें अब फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हमें धीमी आंच में 7-8 मिनट तक ढककर पकाना है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट और पका लेते हैं। देखिए भिंडी में बहुत बढ़िया कलर आ गया है। ग्रेवी अगर आपको पतली चाहिए तो इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मसालेदार भिंडी को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम भुनी कस्तूरी मेथी 1 टेबल स्पून डालेंगे, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी मसालेदार भिंडी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कर देते हैं डिश आउट। इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी, राइस के साथ खा सकते हैं। तो है ना लाजवाब मसालेदार भिंडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल सकीनास किचन को सब्सक्राइब करिए।